सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एसीएससी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज एक न्यूज़ देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है आपके जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इसीलिए मैं ये खास वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। आपके देखते चलिए ये वीडियो में जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हर वो एग्ज़ाम जो आने वाले दिन में जेपीएससी हो या जेएससी हो झारखंड में होने वाले हैं उसके लिए आपका ये मार्क सिक्योरिंग वीडियो हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पे कि हम जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूज से हम दो चीज़ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहला स्टैटिक पार्ट और एक डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट में मैं क्या करता हूँ, आपको न्यूज़ बताता हूँ और न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पार्ट है यानी जितने इसके ईयर्स हैं या जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत खास बन जाता है ये वीडियो, तो इसको देखना ना भूलें। और अभी तैयारी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का जो ये टॉपिक उसके ऊपर। तो देखिए आज का जो ये टॉपिक है ये न्यूज़ में छपा हुआ है कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है आपको पता ही है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इसमें एक बाघ होने का प्रमाण मिला है और ये जो पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधक द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, वहाँ के जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं मुख्य फॉरेस्ट कंजर्वेटर और वहाँ के जो डिविजनल डायरेक्टर जो हैं ये दोनों का स्टेटमेंट दिया गया है। और ये किस आधार पर किया गया है, क्योंकि इससे पहले वो एक स्केट भेजे थे देहरादून में स्थित आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पर भेजे गए थे और उसको वहाँ पर जब परीक्षण किया गया तो उसको पाया गया कि ये एक बाघ का ही स्केट है। स्केट मतलब आपको बताते चलो कि ये कोई जानवर का मल को स्केट कहा जाता है। तो यह था आपका डायनेमिक पार्ट। तो अभी मैं बताते चलूँ कि इसका स्टैटिक पार्ट क्या है। अगर देखें तो बहुत सारे एग्जाम्स में पलामू टाइगर रिजर्व के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि झारखंड के ये एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो यहाँ पर है और इसीलिए ये खास बन जाता है। तो अभी ये स्थिति के बारे में थोड़ा आपको लेके चलता हूँ। तो स्थिति में देखिए ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसके आपके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में है औरंगा रिवर और इसके दक्षिण में है नेत्राहाट फॉरेस्ट, जो जानते हैं बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और जो झारखंड में जो सबसे ठंडा जगह भी माना जाता है। उसके बाद इसके पूर्व में लातेहार फॉरेस्ट डिवीजन है और इसके पश्चिम में जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में सटा हुआ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरह से इसका लोकेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अनुकूल जगह है जहाँ पर बहुत जीव जंतु मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल कंडीशन है बहुत ही उनको भाता। हम इसके ज्योग्राफिकल जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एरिया है 1129.92 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको भी आपका डिवाइड किया गया है, कोर एरिया डिवाइड किया गया है और इसका बफर जोन भी डिवाइड किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोर एरिया क्या है और बफर जोन क्या है। तो कोर एरिया ऐसा होता है जहाँ पर जो चांसेस ऑफ जो आपके टाइगर्स रहने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बफर एरिया मतलब क्या किया जाता है, जैसे उसके सटे हुए गांव रहते हैं या सटे हुए कोई भी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं तो उनको और इन बाघों के बीच में जो एरिया क्रिएट किया जाता है जहाँ पर का जो चांसेस रहता है उसको कम करने के लिए बफर जोन तैयार किया जाता है। तो ये बफर जोन का एरिया जो है ये आपका 715.85 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे ये खास बात है कि ये जो नेशनल पार्क पलामू नेशनल पार्क जो है उसके का ही एक पार्ट है। और दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पलामू टाइगर रिजर्व जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये देखिए पलामू और लातेहार दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये बंटा हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है पलामू और लातेहार दोनों में बॉर्डर शेयर करता है और दोस्तों लातेहार में इसके जो पश्चिम लातेहार में ये अपना जो सबसे ज़्यादा जो उसका चांसेस हैं और टाइगर दिखने का ये वहाँ पर है। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा पूछा जाता है कि पलामू टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अभी देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले जो वर्ल्ड में टाइगर सेंसस या टाइगर की जो गणना की गई थी वो इसी पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था। जो चीज़ शुरू हुआ वो पूरा दुनिया में वो चलने लगा, लेकिन अभी आपका दुर्भाग्य बोलिए कि टाइगर जो है यहाँ पे एक भी टाइगर यहाँ पे नहीं दिखते। 1932 में सबसे पहले जो बाघों की गणना की गई थी वर्ल्ड में वो सबसे पहले यही पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था। और कहा जाता है कि जो 9 प्रमुख जो टाइगर
हॉटस्पॉट या जहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम चांसेस दिखते थे टाइगर, उनमें से पलामू टाइगर है जो भी एक था। तो शुरू में जब यहाँ गणना की गई थी पूरे इंडिया में तो ये 9 थे, अभी चल के ये 50 हो गए हैं। 1974 को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टोटल हमारे देश में 9 प्रोजेक्ट टाइगर चिन्हित किए गए और उनमें से ये पलामू टाइगर एक था। JW निकोलसन जो थे वो यहाँ के DFO थे, तो उस समय उनके प्रयासों से ही ये असंभवित हो सका। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गई तो आपको बताते चलूँ कि इनका जो बाघों की जो गणना है यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होते गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ के बाघों के साथ साथ यहाँ पे जो तेंदुए हैं या गौर हैं जो चीतल है जो भी सांभर है यहाँ पे उन सबका शिकार होते रहता है। आपको बताते चलो कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ही माओवादी या आपके जो जितने भी PLA के जो लोग हैं वो जंगल में घूमते रहते हैं, उन्हीं के साथ साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये भी जंगल में अक्सर अपने बहुत सारे जरूरतों की चीज़ों के लिए जाते रहते हैं। तो उनमें से भी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ये जानवरों का शिकार किया जाता, तो इसी वजह से। और धीरे धीरे जो आपके जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहे हैं, झारखंड में जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, यहाँ पर जिस तरह से स्थानीय नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, उस हिसाब से जंगल की धीरे धीरे और यहाँ पे जैसे बहुत ही एररफुल आपके यहाँ पे पॉलिसी बन रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके वजह से धीरे धीरे टाइगर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटते जा रही है। तो इस आलोक में एक आपको डेटा यहाँ पर दे देता हूँ, आपके 1992 में यहाँ पे जब 55 टाइगर थे, 93 में 44 टाइगर हो गए, फिर 94 में आपके 49 टाइगर हो गए, फिर 95 में आपके 50 टाइगर हो गए, फिर 97 में 44, इस तरह से धीरे धीरे करते 2004 तक महज 38 टाइगर टाइगर बच गए थे। तो ये हम जो डाटा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो NTCA द्वारा ये जारी डाटा है, वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो गणना की जाती है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करती है, हर 4 साल में टाइगरों की गणना करती है। जैसे हमारे सेंसस होता है 10 साल में एक बार और जनगणना होती है, वैसे टाइगरों की 4 साल में एक बार सेंसस या गणना की जाती है। तो पिछला जो टाइगर सेंसस था 2018 में था, और उसके 4 साल के बाद अभी 2022 में ये और एक आने वाला है। तो 2018 का जो मैं बताते चलूँ गणना थी वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक बहुत रिकॉर्डेड टाइगर गणना की गई थी, क्योंकि बताते चलूँ कि 75% ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसमें जितने भी टाइगर हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, यानी 2976 जो टाइगर हैं इंडिया के वो 75% वर्ल्ड के टाइगरों की कवर करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये बताते चले कि ये तो नेशनल लेवल में टाइगरों का जनगणना होगी, लेकिन झारखंड में उस 2018 में दुर्भाग्यवश एक भी टाइगर मौजूद होने का जो डाटा नहीं मिला। ठीक है, यानी 0-0 टाइगर यहाँ पर थे। तो अभी ये खुशी की बात क्यों है, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारे जो ये न्यूज़ है इसमें हमें एक नई आशा आ रही है कि हम इस जो टाइगर टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए अच्छा अगर पॉलिसी लाएंगे, अच्छा पहल करेंगे, या लोगों के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो टाइगरों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि टाइगरों को बचाने का इतना क्यों जद्दोजहद किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है, कि जो पिरामिड है, फूड पिरामिड है, उसमें या फूड चेन में सबसे टॉप में जो आपका रहता है ये टाइगर है। ठीक है, टाइगर क्या करता है, दूसरे पशुओं का शिकार करता है। ठीक है, और ये उनका जो संख्या को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। तो अगर मान लीजिए टाइगर ही नहीं रहेंगे तो इसके नीचे जो भी शाकाहारी जीव है उनका संख्या बढ़ जाएगी, और शाकाहारी जीवों का जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, या मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पत्तों को खा के जिंदा रहते हैं, तो उनका बढ़ने के वजह से जंगल हो या जंगल के पास में जो भी गांव हैं उनमें जितने भी खेती किए जाते हैं उनके बहुत बड़े आकार में ये खेती पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बाघों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। ओके, उसके साथ ही एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर दिस टाइगर कंजर्वेशन विच आर कम्स अंडर इन योर एरिया। जब आपके अंडर में जो भी कोई आ जाता है, कोई नेशनल पार्क या कोई भी एक रिजर्व आ जाता है, मान लीजिए आप उस डिस्ट्रिक्ट के कोई मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपको भी बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो
इनके संरक्षण के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसीलिए आपको ये तो जानना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ आप तो एग्जाम में जिस तरह से इसके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखिए, अभी जो ये डेटा है ये फिर से अभी मान लीजिए अच्छा काम किया जाएगा तो ये धीरे 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 ये बढ़ेगा और हमारे लिए खुशी की बात होगी। और अच्छी बात ये होगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ेगी तो ये पर्यटक भी झारखंड में आने के लिए कोशिश करेंगे इन बाघों को देखने के लिए। तो इसमें से भी हमें आज टूरिज्म के हिसाब से हमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए टूरिज्म सेक्टर में भी ये बढ़ावा मिल सकता है। तो क्यों ना चलिए हम टाइगर के संख्या को और बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल में काम करेंगे, यानी सरकार और स्थानीय लोगों के साथ जो मिलजुल के इन लोगों को रख रखाव के लिए और इनके कंजर्वेशन के लिए एक नया पहल शुरू करेंगे। सो एंड दिस वॉज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड आपको इस वीडियो से अगर कुछ नॉलेज मिला तो आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और अगर हाँ आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन बना है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स